सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हमारा एक सब्सक्राइबर ने एक कमेंट डाली है कि एंड ऑफ डे के अंदर लॉस होता है या फिर नहीं होता है। तो शोर सी बात है कि सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी होती है वो 100% नहीं होती है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंट्राडे के अंदर आपको लॉस हो जाए। अब कैसे भी कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मान लीजिए एंड ऑफ डे के अंदर पूरी शक्यता हो सकती है कि आपको लॉस हो जाए, पर आप एंड ऑफ मंथ के अंदर प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब देखते हैं कैसे लॉस करवा देता है कभी कभी सॉफ्टवेयर, सभी कंडीशन अप्लाई होने के बाद भी वो फेक निकल जाता है। तो देखते हैं, ये सिग्नल देखिए, सेल सिग्नल हमारा कंफर्म है और सेल सिग्नल कंफर्म है और काफ़ी इसके अंदर प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। अब ये बाय सिग्नल को देखिए, बाय सिग्नल के अंदर ये सिग्नल भी परफेक्ट है और आपका लॉस भी करवा दिया है। यहाँ करीब हम लॉस करवाया है पर बहुत कम करवाया है। तो ऐसा हो सकता है कोई सिग्नल कंफर्म देने के बाद भी आपको लॉस करवा देगा, पर आप एंड ऑफ मंथ के अंदर प्रॉफिट में ही रहेंगे। जैसे के बाद उसके बाद ही उसके नेक्स्ट सिग्नल के अंदर उसने रिकवर करवा दिया, जो दो तीन पॉइंट यहाँ आपका, पांच पॉइंट आपका लॉस हुआ है, वो उसके नेक्स्ट सिग्नल के अंदर ही उसने सेल दिया और करीब हम आपको प्रॉफिट दिया है 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट उसके नेक्स्ट सिग्नल के अंदर मिल गया। तो आपको जो अगर लॉस होगा तो कोई सिग्नल के अंदर हो सकता है, तो उसका नेक्स्ट सिग्नल के अंदर उसका रिकवर भी हो जाएगा। अगर उसके अगले नहीं तो उसके अगले सिग्नल के अंदर आपका लॉस रिकवर होगा, पर आपको कंडीशन सभी के अंदर, आपको सभी सिग्नल के अंदर जो सही है उसके अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक इसकी सिग्नल के अंदर काम करेंगे और कि इसके अंदर लॉस हुआ है, अब अगला भी गलत जाएगा, उसमें ट्रेड नहीं किया, तो आपका लॉस रिकवर कैसे होगा अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे तो? तो आपको जो कंफर्म सिग्नल मिलता है उसके अंदर आपको ट्रेड करना है और आप एंड ऑफ मंथ के अंदर प्रॉफिट में ही रहेंगे। कल हमने एक बैंक निफ्टी का रिव्यू दिया था, उसके अंदर भी ऐसा ही समथिंग हुआ था। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जैसे कि ये सेल सिग्नल था, कंफर्म ही था, सेल कंफर्म ही था, पर मार्केट नीचे भी आया, करीब 200 पॉइंट नीचे आ गया, टारगेट अचीव हो गया, नो डाउन वरी, पर उसका एग्जिट बना है कोस्ट टू कोस्ट, तो नहीं तो लॉस हुआ है नहीं तो प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद उसने सेल दिया डबल कन्फर्मेशन के साथ, अगर यहाँ कंफर्म नहीं है तो आप सीट नंबर 2 के अंदर जाकर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, यहाँ सभी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, यहाँ रेड हो गया, 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 और यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल से लेकर करीब बम उसने 2000 पॉइंट दिलवाकर आपको एग्जिट करवा दिया है। आज तारीख है, 22 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ और 21 तारीख में 3:30 बजे उसने एग्जिट करवा दिया। अब मंडे के दिन पूरी संभावना है मार्केट रिकवर होने की, तो ये एक नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ एक एग्जिट का पॉइंट आ चुका है, देखिए लाइव लास्ट कैंडल के अंदर ही आया है, तो पूरी संभावना होगी मंडे की मार्केट पॉजिटिव रहे। अब खुलते ही हम, अभी कोई शोर नहीं है, मतलब सिर्फ एग्जिट हुआ है, क्योंकि अगले दिन हॉलीडे है तो हम फिर भी एग्जिट करवाते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सब्सक्राइबर को क्वेरी हो, तो आप हमें कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। अगर या फिर ज़्यादा सेंसिटिव कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। आपको लाइव डेमो देखना है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम उसका लाइव डेमो भी दिखा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।